नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट नाइन। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास हुई किलाबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जनता के नुमाइंदे सरकार को इतिहास का आईना दिखा रहे हैं, पानी पी पी कर केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। तीन दिन पहले आंदोलन स्थल के पास सड़कों पर जो लोहे की कील दिल्ली पुलिस में गाड़ी थी, अब वही पुलिस उन्हें उखाड़ रही है। वीडियो सामने आते ही पुलिस सफाई देने लगी। अधिकारी बोले, हटा नहीं रहे हैं, रीपोजिशनिंग कर रहे हैं ताकि जनता को आने जाने में दिक्कत ना हो। जो टायर किलर्स लगाए गए थे उसकी जस्ट रीपोजिशनिंग की गई है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था वहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रीपोजिशनिंग की गई है। आंदोलन स्थल के पास लोहे की कीलें, रॉड और कंटीले तार लगाने को लेकर पूरे देश में सरकार की आलोचना हुई। विदेशों में भी सवाल उठना शुरू हो गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़िया, वो कील, वो खाई, सर मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी है वो भी ऐसी नहीं देखी है। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। और हम में से किसी को यह मुगालता ना रहे, किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपने अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने आंदोलनकारियों की दुर्दशा का जिक्र छेड़ा, किसानों की आड़ में सरकार को घेरा। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। पानी बंद कर दिया गया, शौचालय बंद कर दिए गए। सर, इस तरह के पोजीशन, इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर हमने तो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों के लिए भी नहीं सुना जो अंदर तक आ गए। सर, लाल आंखें वहां होनी चाहिए। शाम ढले, खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दम्भ से देखे। उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर, लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? अरे दे तो वो रहे हैं, 303 का आंकड़ा उन्होंने ही दिया आपको, और आगे के 3 और 0 कब उड़ा जाए ये भी वही तय कर देंगे। आरजेडी सांसद ने राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर भी सत्ता पक्ष पर हमला किया। कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, एक मशीन बनवाइए, किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है? सर, हो सकता है आपको झटका लग जाए। देशभक्ति स्लीव पे नहीं चलती है, यहां रहती है दिल में। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, देश रिश्तों से बनता है सर। और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो, आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। बात खत्म की हबीब जालिब के मशहूर शेर से, जो किसानों की किलेबंदी पर मौजू लगा। मैं भी मंसूर हूं, कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।